मेरे एक पेट्रोल पंप था, पता नहीं कहां से, मैंने लगाया नहीं था, लेकिन वो पेट्रोल अपने आप बचने लगा। मैंने लगाया कुछ था, लेकिन उसके एड में, एडवर्टाइजिंग में वो बचने लगा, अपने आप बचने लगा, तो मैं उसको चांसेस सुनने लगा। उसमें यही कोई लड़की बोल रही थी अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कि पिताजी, मेरे माता की महिमा तो सब कोई जानते हैं, लेकिन आप मेरे लिए मेरी मां से भी बढ़कर श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने जो त्याग, जो तपस्या हमारे लिए की है, वो तो शायद माता ने भी नहीं किया, क्योंकि तो माता तो केवल पालती पोसती रोटी खिलाती बनाती है, लेकिन तुम्हारे पीछे जो श्रम, जो पैसा, जो एनर्जी, जो प्रेम खर्च होता है, वो पिता पता नहीं बाहर से कहां से कैसे करता है। वो तो बोलती है कि बैंक वाले अपने कर्ज की किस्त लेने आए थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने अंदर जाके बोला था कि वो गांव के हमारे दोस्त आए हैं। इसका मतलब आपने ऐसे समय में भी एहसास कराने की कोशिश नहीं की कि हमारे ऊपर परेशानी है, मतलब आप चाहते थे कि भले हमारे ऊपर कर्ज हो, लेकिन हमारे बच्चे इस बात पे न जाने कि उनको टेंशन हो। इसी तरह से पेरेंट बहुत सारी कठिनाइयां सहते, दुख झेल के अपने लिए कपड़े नहीं बनवाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जन्म दिन पर कपड़ा खरीदते हैं। जब तुम के खुद तुम देखोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास खुद बहुत सारे कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन तुम जब बोलते हो तो तुम्हारे लिए वो कोशिश करते हैं। मैं वो पेरेंट को देखता हूँ कि छोटे से 5 मिनट की एक्टिविटी के लिए 2000 का फ्रॉक और ये सारी चीजें वो खरीदने के लिए चुप रहते हैं, कि हमारे बच्चे के मन में ये ना आए कि पैसों की वजह से हमारे पेरेंट ने हमें कपड़े नहीं खरीदे। तो ऐसे समय में वो पेरेंट कितना सेक्रीफाइस करता है, अपने खुद की सुविधाओं में कटौती करके तुम्हारी सुविधाओं की व्यवस्था करता है, ताकि तुम्हारे विकास में रुकावट न आए और तुम बिना टेंशन के बढ़ सको और पढ़ सको। तो इसलिए हमेशा से ये याद रखना चाहिए, ये जो हमारा समय है अत्यंत कीमती है। एक बात और मैं तुम लोगों को बताता हूं कि बच्चा जब तक पढ़ता रहता है, जब तक पढ़ता रहता है, तब तक उसके खर्चे पिता को अखरते नहीं है। कहने का मतलब, बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, भले उसकी फीस 50,000 रुपये हम क्यों न लगे महीने में, पिता उसको व्यवस्था करेगा, उसको देगा और उसको अखरेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है ये पैसा हम अपने बच्चे की एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। और जिस दिन बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, या अच्छे से नहीं पढ़ता है, या फेल हो जाता है, तो उसके बाद उसी पिता को तुम्हारे लिए खर्च किए गए 100 रुपए भी भारी लगते हैं। ऐसे समय में अगर तुम्हारे लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, अगर तुम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हो, तुम्हारी साइकिल खराब हो गई है, और तुम बोलते हो पिताजी हमें 100 रुपये साइकिल बनवाने के लिए चाहिए, तो ऐसे समय में वो 100 रुपये को तुम्हारे पापा को अखरता है, और उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ से साइकिल खराब कर लिया, इसके बदले हम 1 किलो तेल लाते तो हमारा 10 दिन सब्जी बनाने को होता। तो इस तरह से तुम ये फीलिंग अपने पेरेंट के अंदर मत आने दो कि तुम्हारे लिए 100 रुपये खर्च के करने लगे। तुम अपने पेरेंट के अंदर वो फीलिंग पैदा करके रखो कि तुम्हारे लिए अगर जरूरत पड़े 50,000 रुपये खर्च करने की, तो भी तुम्हारा पेरेंट खुशी खुशी 50,000 रुपये खर्च कर सके, इससे हमारे बच्चे का विकास होगा। इस चीजें तुम्हें ध्यान देनी होंगी।